कि अगर आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आज चौथी वर्षी है, चौथी पुण्यतिथि है सुशांत की। मैं आज दोबारा कह रहा हूं उनकी पुण्यतिथि पर कि सुशांत को ना हम भूले हैं ना हम भूलेंगे। और ध्यान रखिएगा, किसी भी हद तक जाने के लिए हम तैयार हैं। एक तरफ आपके पैसे की ताकत है, एक तरफ आपके पहुंच की ताकत है, एक तरफ सत्य की ताकत है और एक तरफ करोड़ों सुशांत के प्रशंसकों की ताकत है, करोड़ों निश्चल शुद्ध भाव से न्याय की तरफ आस लगाए हुए करोड़ों की ताकत है। और पैसा और अप्रोच सब के सब धूल चाटेंगे, उनका पैसा काम नहीं आएगा ना उनका अप्रोच काम आएगा। ये बात कान खोल करके वो सुन ले। मैं जो बात आपको बताना चाहता हूं वो मैंने आपको पहले भी कहा था कि बिल गेट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आदित्य ठाकरे के बाप आदित्य ठाकरे, मुंबई का फिल्म कार्टल, भ्रष्ट कार्टल, ड्रग कार्टल और कुछ टेक्नोलॉजी कंपनी, ये सारी मिलकर के अदालत को, सीबीआई को, एसआईटी को मैनेज करने का काम कर रहे हैं कि इसको मैनेज कर लिया जाए। अब आप कहेंगे कि बिल गेट्स को इससे क्या लेना देना, वो तो बहुत बड़ी हस्ती है। बिल गेट्स बहुत ही छोटा आदमी है, वो दो कौड़ी का आदमी है। दो कौड़ी का मतलब दो कौड़ी का, आप गलतफहमी में है कि बिलियनर है। वो हमारे आपके पैसे लेकर के, हमारे आपसे पैसे बना करके वो बिलियनर बना हुआ है। ही इज नॉट एन इंजीनियर, ही इज नॉट ए साइंटिस्ट, ही इज ए पावर ब्रोकर, ही हैज बीन द फ्रेंड ऑफ जेफरी एपस्टीन। इस व्यक्ति का डिवोर्स हो चुका है जेफरी एपस्टीन के साथ दोस्ती से और ये व्यक्ति पूरी दुनिया को झूठ बोल रहा है, ये पेडोफिलिक है और ये व्यक्ति पूरी दुनिया को झूठ बोल रहा है कि मेरा जेफरी एपस्टीन से कोई रिश्ता नहीं था। जब ये पकड़ा गया, रंगे हाथ पकड़ाया, इसके सारे प्रूफ आ गए तो इन्होंने आकर के कहा कि नहीं, जेफरी एपस्टीन से जो मेरी दोस्ती थी वो एक ब्लंडर था। मैं सिर्फ आपको यह बतलाने की कोशिश कर रहा हूं कि बिल गेट्स का सीधा संबंध है और बिल गेट्स के कहने पर भी ये सारे काम हो सकते हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी इस केस को मैनेज कर रहे हैं। वो बिल गेट्स भारत के बहुत सारे पैसे वालों को अपने साथ मिला करके खेल कर रहा है और सारे इंस्टीट्यूशन को बिल गेट्स ने कब्जा कर लिया है। तो जब ये अप्रोच वहां पहुंचती है, क्योंकि ये मामला हाई प्रोफाइल है, एक पूरे कार्टल के एक्सपोज होने का है, बिल गेट्स चाहता है कि भारत इन्हीं चीजों में उलझा रहे और इसमें जितने गंदे प्रवृत्ति के, जैसी प्रवृत्ति इस शख्स की रही है, क्योंकि इसके जेफरी एपस्टीन से दोस्ती रही है, आपको मालूम होगा कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग का बहुत ही सीरियस आरोप मुंबई के भ्रष्ट फिल्म स्टार्स पर लग चुके हैं, मुंबई पुलिस पर लग चुकी है, मुंबई के ड्रग कार्टल पर लग चुकी है। और उसी ड्रग कार्टल को एक्सपोज करने की पूरी कहानी सुशांत की हत्या से जुड़ा हुआ है और इस सब का लिंक सीधा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और बिल गेट्स तक पहुंचता है और बिल गेट्स का जेफरी एपस्टीन से सीधा संबंध रहता है। 14 जून है आज और 14 जून को मजबूती से मैं ये प्रण ले रहा हूं कि चाहे बिल गेट्स हो, चाहे क्लाइस श्वाब हो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सर्वे सर्वा, और चाहे डाबोस घुमाने वाले देश के दलाल हो, देश के तथाकथित बिजनेसमैन हो, बिजनेस घराना हो, उस सबको हमारी चुनौती है। और चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो,
सलमान खान के ऊपर फायरिंग हो गई, पूरी पुलिस रात दिन एक करके, कहीं राजस्थान से गिरफ्तारी हो रही है, कहीं मुंबई से गिरफ्तारी हो रही है, एक व्यक्ति की हत्या हो गई है, एक लड़की की रेप और हत्या हो गई है, उसके फाइल को बंद करके एसआईटी गठित हो गई है, एसआईटी वाला एक कदम नहीं बढ़ रहा है। निर्लज्जता की भी एक सीमा होती है, महाराष्ट्र सरकार की निर्लज्जता की सीमा देखिए, वो निर्लज्जता की सारी सीमाएं क्रॉस कर रही है। सलमान खान पर अटैक होने को लेकर के पूरी दुनिया एक्टिव हो गई, आपको लगता है ऐसा नहीं, क्योंकि ये इंटरनेशनल रैकेट है, इंटरनेशनल गैंग ऑपरेट करते हैं, ये बिलगेट्स टाइप के लोग उसमें ऑपरेट करते हैं। हमारे बहुत सारे लोग होंगे जो टेक्नोक्रेट होंगे, खासतौर से इंजीनियर बंधु होंगे, वो कह रहे होंगे ये क्या आशुतोष जी बोल रहे हैं, बिलगेट्स का सुशांत और इससे क्या रिश्ता। आप भोले हैं, आप भोलापन मत कीजिए, भोले मत बनिए। मैंने आपको बताया ना कि ये आदमी माइक्रोसॉफ्ट का भी मालिक नहीं है, ये आदमी कहीं से कुछ चुराता है और चोरी करके ये खेल करते रहता है। ये पूरी तरह से डिफेम हो चुका है अमेरिका में, अमेरिका में इनके मित्र जो फौजी हैं उसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, पीटर डास्चक है उसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, बाइडन बहुत बुरी तरीके से फंस गया है, एलन मस्क ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बेईमान व्यक्ति के खिलाफ जो है सो पूरी दुनिया, अभी तो मानवता के खिलाफ जो अपराध किया है इस शख्स ने, वो भी लोगों को पता चल रहा है महामारी के दौरान। तो ये जो पूरा कार्टेल है ना साहब, जो मुंबई के फिल्म स्टार तक पहुंच रहा है और ड्रग माफिया तक पहुंच रहा है, ये कार्टेल वहां तक है, ये कार्टेल छोटा मोटा कार्टेल नहीं है। इसीलिए आपको जुडिशरी को इन्फ्लुएंस कौन करेगा, कोई बड़ी हस्ती करेगी ना, सो कॉल्ड बड़ी हस्ती, दो कौड़ी का आदमी है मेरी नजर में तो, लेकिन दुनिया की नजर में जिसमें ये जो, क्योंकि सारी मीडिया को इस शख्स ने खरीद रखा है, बड़े बड़े मीडिया हाउस इसके चरण वंदना में लगे हुए हैं, तो बड़ी मीडिया हाउस जो इसकी चरण वंदना में लगा हुआ है वो इसको एक ह्यूमैनिटेरियन फिलेंथ्रोपिस्ट के रूप में प्रोपेगेट करता है, पूरी दुनिया में बताता है कि कितना उदार मना है, गरीबों की भलाई करता है। ये कोई गरीबों की भलाई नहीं करता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो इस शख्स ने किया है वो अनप्रेसिडेंटेड था। पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा, इसको डिबार किया, इसको भारत घुसने से मना किया 2009 में, लेकिन फिर भी ये शख्स कुछ बिके हुए ब्यूरोक्रेट्स के सहारे और कुछ फिल्म स्टार के सहारे, कुछ अपने बिजनेसमैन दोस्तों के सहारे फिर से एंट्री कर गया और फिर से यहां की सत्ता प्रतिष्ठान को अपने कब्जे में कर लिया। इसलिए ये शख्स जो है यहां पे सेटिंग गेटिंग करता है, नेटवर्किंग करता है, लाइजनिंग करता है और ये देखता है कि कौन व्यक्ति कहां पर फंसा हुआ है, कहां किसकी कैसे पैरवी करा दे ताकि वो मेरे जद में रहे, यही धंधा है इस व्यक्ति का। तो जैसा मैंने आपको कहा कि जो एनबी रमन्ना पूर्व जस्टिस थे उसको कैसे इस व्यक्ति ने इन्फ्लुएंस करा करके भारत बायोटेक में शेयर पार्टनर बना दिया और कोविड के दौरान वही चीफ जस्टिस बन गया। मैं जो इशारा कर रहा हूं कि इस शख्स का भारत की जुडिशरी में, भारत के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, भारत की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में, भारत की ब्यूरोक्रेसी में, हर जगह इस शख्स का सीधा हस्तक्षेप है और इस शख्स के पास वो शख्स पहुंचा हुआ है जो इस पूरे केस को खत्म कर देना चाहता है, इस पूरे केस को मिटा देना चाहता है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।